बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है भाई साहब? खैर खरीद से है ना? दुआ जनाब अल्लाह ताला आपको दो जानों की कामरानियाँ नसीब फरमाए। तो जनाब करते हैं आज का व्लॉग स्टार। जनाब मोहम्मद इरफान भाई जनाब एक कबूतर मंडी से लेकर आए थे साबे रंगों वाला, ये देखे इनसे पकड़े नहीं जा रहा, अभी बांधा हुआ है तो उसको आज छोड़ने लगे हैं क्योंकि ये वाह वाह महीना को हो गया आया हुआ है। अगर इसने नसना है तो भाज जाएगा, इसने अगर रहना है तो रह रहेगा। तो ये जनाब फड़ने की ट्राइयाँ कर रहे हैं ना। कबूतर बड़ा कबड्डर है, बड़े ज़माने से कबड्डियाँ खेलता आ रहा है जनाब। इरफान साहब से बड़ा औखा पकड़ीता है इरफान की, इसकी कबड्डी पै गई है। दोस्तों को चेक करें ना, साबे रंग वाला कबूतर है जनाब, ये देखे माशाल्लाह बड़ा प्यारा कबूतर है, कमाल यार। इसकी आँख चेक करें नेड़े करके, साथियों को रंग चेक करें, सारा माहौल चेक करें, ऊपर करें, चुकें थोड़ा सा कैमरे के सामने इसको लेके आए जनाब। ये देखें क्या बात है, कबूतर बादशो बड़ा प्यारा फैंसी है, जौ सिरा कबूतर है जनाब। इसको आज छोड़ने लगे हैं, अल्लाह खैर के टेपे शेप इरफान लाई हुई हैं, पूरा वेल्ड किया हुआ है जनाब। इसने पिंटू मार के इसको खोल देते हैं, फिर उड़ाते हैं। जब ये इसको छोड़ेंगे ऊपर तो नीचे नहीं आएगा, ये नाच जाएगा, ये गारंटी वाली बात है। जो कबूतर नया हमने छोड़ा ना एक दफ़ा ऐसे ऐसे गया ना वैसे जैसे उसको किसी ने कोई मर्चे लगा के छोड़ी हो, तो इसका पता लगता क्या करता कबूतर बड़ा। वैसे इसने पीड़ा बद्धा हुआ है, इसका बढ़ा हुआ कबूतर आए में नसदा नहीं दोस्तों, यानी कि खुलता नहीं। शिकारी बड़ा है, बादशाह बंदा है, बड़ा कुछ उस्ताद पीर वाला बंदा है, टूर्नामेंट शुरनामेंट लड़ता रहा, कुकड़ रखता रहा, सील कुकड़ चूचियाँ पेरू रखता रहा, गुला लिया दे आंडे काट के लिया के वो घर सटता रहा, गुचड़ियाँ दे आलें फोलता रहा, निक्या होंगे जो काम कुगियां दे आंडे काट लिया जनाब, तोते खुडा चुका लिया दस बजे तक है ला दी यार। हूँ कबूतर के मगर होया दे सदे ना, ना कुड़ता ना कोई दाने खाकू तो लम्बे पैरों ने ना वेखुन छड़िया तो उत्थी लम्बा पैर आला लाला अच्छा पत्ते आला लाला वेख दोस्त वेख्या ओडी नहीं रे जनाब। एक कबूतर साढ़े सिर्फ दाने खाधे, चौल खाधे, लस्सी पीती, टुकर खाधा, चोपड़ी रोटी मखने नाल, अचार अंब का नींबू का रला के वो मेरा मतलब खा गए, लम्बे पै के बाथरूम च आके हो के आ गए, थोटे शेरा कोई हाल नहीं तेरा इन्हों का, वो हिसाब बन गया जनाब। इधर जनाब अपना अमीर भाई जो है रेहड़ी की इतनी पै चुके हैं, रेहड़ी इन्होंने लैन दी है खोती जनाब, देखे इनके मुंह में कंड करके खलो गई है, वो भी थक गया है, फिर पठेंगे पूरे बीघे से दो रेहड़ियाँ निकली हैं माशाल्लाह, वादा घाटा हो जाता है। ये भी अल्लाह का शुक्र, अगर ये भी ना निकलती क्या कर, नीरे सावे पाए ना जनाब, वो पाए का ही नहीं। अब जनाब रेहड़ी उन्हें छड़ो ने लस्सी लैन दी, रोटी लैन दी, नींबू का चार, अंब का चार, मर्चा का चार, सुहाइण दी मूलियाँ का चार, वो सारा जनाब लैन दिया, खाण सुकून करें, लस्सी कोला पूरा बर्फ का स्टाक आंदा मैंने ठुला जा ताकि खान ठंडे होना, अजकल गर्मी बड़ी है तो गर्मी तो परेशान हो जाते हैं, लंबड़दार सेहत बने जाओ साखा सिंह भुर गयानी का सुने दाता सोडा वाटर पी मौसमी गर्मी का वाह वाह कमाल क्या बात है, ला 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 शाबा शाबा मौसम बाकी बड़ा प्यारा वाश वाह चल रही बेलिया जा लंबड़दार जनाब ने परेशान खड़े जिम्मे का किसी फीडर छुपा लिया वेखो मासूम आए अखा बना खड़े है फीडर लाभ पाँगा ने आख्या तेरा नवा लिया देने जो फीडर तो लगा छा ही नहीं मेरा मतलब को करना पौना तो वास्ते में फीडर पे ने जुट तो जांदा ना ना एक दे तो चुगदा पे मैं खोलया मत को है वच दो जा जा फीडर दा बड़ा प्यार है दा कोई इलाज दसो किवें छुड़ाई है। तो ये दोस्त इरफान भाई जनाब कबूतरों को वक्त तक भोरे डाल रहे हैं जनाब, ये वेले कहते हैं खाना खाए बस इंजॉय मारे, तो ये काम तो हम करते हैं बाकी उड़े या ना उड़े इनकी मर्जी, वैसे भी गर्मी बड़ी उड़ना है इन्होंने क्या जनाब वाला है। ये देखो सारे माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, हमने भी डेकोरेशन पीस के तौर पर इनको रखा हुआ, हमने कौन सा वो बोतल लगाई हुई किसी का या कप लगाया हुआ, शर्त वैसे भी आराम होती है वो लगाने भी नहीं चाहिए, तो ये बस खूबसूरती के लिए बड़े अच्छे खूबसूरत परिंदे हैं। तो ये इनकी खिदमत कर इरफान भाई, ये देखो छाव में बैठ के जनाब बोरे डाल रोटी के बड़े शौक से खुश होकर जनाब खाते हैं और इंजॉय मारते हैं, और जनाब फिर माया ना क्या बात है, आले में बढ़ के गुटकते रहते हैं, बड़े बाश उस्ताद आदमी है, पूरे वी आई पी बगूतर आई आए वो। तो उधर जनाब कबूतरों के आ रहे लगे हुए हैं, ये जनाब अपने जुल्फकार भाई साहब रगड़ाई वाले थे, ये रगड़ाई कर रहे हैं, ये जो मट्टी कट्टा जो ऊपर से ज्यादा लेप निकलता है वो साथ साथ बाहर निकालते रहते हैं ताकि गंद ज्यादा ना पड़े। अंदर जनाब मार्बल देख अब चमक रहा है जनाब बादशो बड़ा वाह 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 हो गई है, आला लाला शाबा शाबा हो गई जनाब, ये क्रिस्टल ब्रोना लगा हुआ है जनाब। तो अभी सीमेंट की भी उधर गाड़ी आई हुई है, वो भी सीमेंट उतार रहे हैं जनाब, उनकी ज्यादा चार गांग लेते हैं, ये देखें नीचे से वाह वाह जो है ना रंग शंग इसका बन गया, तो सारा अंदर हाल सारे ने एक दफा कर दिया है, जैसे पैप के साथ आला लाला शाबा शाबा कर रहे हैं वाह वाह। ये देखे दोस्तों सारा हाल तकरीबन एक दफा पहले कटाई कर ली है, बाकी पूरा तो ये देखे सारा इधर से वाह वाह चमके शमके मार रहा है, माहौल ठीक ही बन रहा है तकरीबन, अभी फिर और कटाइयाँ रहती हैं, ये तो मेरे ख्याल में दूसरी तीसरी कटाई पे दो तीन और करेंगे ये। तो ये जनाब चाचू सीमेंट उतार रहे हैं, देखिए इधर जोड़ रहे हैं ताकि बारिश वगैरह है तो सीमेंट गिल्ला ना हो जनाब, ये देखें आप नजर आए, ये जुल्फकार की स्कूटर खड़ी हुई है, यह इधर मामे अब्दुल का साइकिल खड़ा हुआ है, गर्मी वाह वाह जनाब, दो जुआ लगे सीमेंट लेके आ रहे हैं जनाब, इधर रख देंगे ताकि गिल्ला शिल्ला ना हो जनाब।
देखे एक पाव ये लगा हुआ है, इसको कहते हैं खून पसीने के, मैं देखे मुड़का निकल गया पूरा, मुड़का चोर है जनाब जनवान का। बाकी रिज्क हलाल कमाना है नहीं, बात है बगैर बंदा की चोरी डकैती करे इसके बचना चाहिए और हलाल रिज्क कमाना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को भी हलाल रिज्क की तौफीक अता फरमाए जनाब। तो ये जनाब भाई ने गाड़ी ली है जो सीमेंट वाला उदार ना मजदूर बेचारा, वो कह रहा है उसको भी देखे उनके भी बच्चे होते हैं उनको भी शौक होता है, तूने अपने खून पसीने की कमाई से ली है ये गाड़ी। ये पीछे जो बाइक खड़ी हुई है, तीन इसके टहिए हैं, बाकी लाइटा शाइटा रेसी मोटर लग रहा है। तो बाकी ये सीमेंट थोड़ा सा रह गया उतार के, तो ये भी आला लाला शाबा शाबा करके निकल जाएंगे जनाब। शिकंजी शिकुंजी इनको बुलाई है जनाब। उस्ताद साहब जो है इधर बैठे हुए जनाब, बस वो गैलन पानी के शिकंजी की तरी है, वो पी पा कर अपना फालतू बोतल में ही पा लेंगे। मैं नहर की तरफ जा रहा हूँ, वो ट्रैक्टर है उसके वाटर बॉडी लीक हो गया, मीन लेके गया वो स्टेशन, तो मैं भी उसके पीछे जा रहा हूँ, उसको जो है ना जाके पैसे देने, नहीं तो उसने भी आला लाला शाबा शाबा कर देनी। ये जनाब अमीन भाई खड़े हुए हैं ट्रैक्टर वर्कशॉप पर लेकर आ चुके हैं, तो मैं भी इनके पास आ चुका हूँ। इसकी जो वाटर बॉडी है उसमें दर्द होगी, इसके यानी कि पेट में दर्द होगी, गोल कार कर रहे हैं, गोल गपड़ियाँ जो इसको देते हैं जनाब। अंदर लगे हुए अर्शद साहब ठीक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जनाब अर्शद साहब बैठे अंदर मेरे बेच आते वेखो वाटर बॉडियाँ सैट कर रहे हैं जनाब, यह कोई डक्का मुकान दे इंशाल्लाह। फिर तो दोस्तों ये वाटर बाटी होती है जनाब, ये जो है लीक हो गई है जनाब, तो अब जनाब इसको ये रिपेयर कर रहे हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है कि हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं अभी इसकी कंडीशन ठीक है, रिपेयर आपको कर देते हैं, अगर ज़्यादा ख़राब होती तो फिर नहीं डलवानी थी। भाई मीन साहब ने इसको काबू करके रखा हुआ है और उस्ताद अर्शद साहब इसको कैल शेल ठोक रहे हैं, इसका मैदा ख़राब हो गया, थोड़ा फकी शकी दे के उसको सुतराते हैं जनाब, अल्लाह खैर करे फिर निकल जाए लोके बाल। तो जनाब ट्रैक्टर हम अपना ठीक रहा के अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए डेरे पर, और कबूतर भी सावा जो मंडी से आया था वो खोल दिया, देखें अब दो तीन दिन बाद फिर उसको उड़ाएंगे इंशाल्लाह क्या करता है, फिलहाल तो अभी काफ़ी दिन बांधा रहा है तो फिर उड़ नहीं रहा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जनाब, गरीबों का ख्याल कीजिएगा, मिलते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह अज्जा व जल्ला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जनाब अल्लाह के हवाले हैं सजना।